सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते है। आप सबके लिए खुशखबरी है, देखिए यूपीएस आरलम के अंतर्गत जो है एक नई नौकरी निकली हुई है। इस नई नौकरी का नाम है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। तो इस पे आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो ये नौकरी निकली हुई है, इस पे कब आवेदन होगा, मानदेय कितना मिलेगा, योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सभी की जानकारी आज आप सबको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दीदी, ताकि आप सबको इस प्रकार की नई नई अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे आप सब देख सकती हैं कार्य का विवरण यहाँ पे बताया गया है। कार्य का विवरण, पद, किस पद पे ये नौकरी निकली हुई है, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आप सब देख सकती हैं। कार्य स्थान यानी कहाँ कहाँ पे ये नौकरी निकली हुई है, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में, तो देखिए जिला गोंडा में, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती एवं अमेठी के चयनित विकास खंड राज्य उत्तर प्रदेश में ये नौकरी निकली हुई है। तो चुनिंदा जिलों में ये नौकरी निकली हुई है, अभी सभी जगह नहीं निकली हुई है, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की नौकरी निकलेगी। तो इसमें योग्यता क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखिए यहाँ पे दिया गया है। प्राथमिक योग्यता, आयु आपकी कितने वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो 18 से 35 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता, स्नातक, केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से पशुपालन, यहाँ पे देखिए दिया गया है पशुपालन में डिप्लोमा होल्डर को वरीयता दी जाएगी। यदि आप पशुपालन में डिप्लोमा लिए हैं तो आपको प्रथम वरीयता दी जाएगी। उसके बाद देखिए यस आर एल एम इनारलम इसारलम के साथ सीधे या सलाहकार के रूप में कार्य करने का अनुभव, यदि आप जो है इनारलम विभाग में कार्य किए हैं तो वहाँ से जो है आपको सलाहकार के रूप में कार्य किए हैं तो आपको जो है उसका अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे, ग्रामीण संदर्भ में पोल्ट्री प्रबंधन, मुर्गी पालन व बकरी पालन का 2 से 3 साल का अनुभव मांगा गया है। तो यदि आप मुर्गी पालन या बकरी पालन के बारे में आपको जानकारी है, किए हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 2 से 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी इसमें लगेगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ। जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में चयनित होंगे उनको क्या कार्य करना होगा, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होगी, इसके बारे में देखिए निम्नलिखित है, कई बिंदुओं में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो पहला बिंदु है, चिन्हित गाँव में CLF से सक्रिय महिला और पशु सखी का पहचान करना, यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का काम ये रहेगा, गांव में जो CLF बने हैं उस CLF में से सक्रिय महिला पशु सखी की पहचान करना। नंबर 2 है, पशु सखी के रूप में काम करने के लिए चिन्हित सक्रिय महिलाओं का मूल्यांकन करना, यानी जो CLF के अंतर्गत पशु सखी वगैरह कार्य करती हैं पशु सखी का मूल्यांकन इनके द्वारा किया जाएगा, यानी पशु सखी के कार्यों की देखरेख ये करेंगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद 3 नंबर है, पशु सखी के प्रशिक्षण में सहयोग करना, पशु सखी का प्रशिक्षण वगैरह करवाने में इनका पूरा सहयोग रहेगा। 4 नंबर है, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक बैठक आयोजित करना और उन्नत बकरी पालन और प्रबंधन परियोजना के बारे में जानकारी देना, यानी गांव में जो है पशु सखी के साथ बैठकर पशु पाठशाला लगाना, वहां बकरी पालन और पशु पालन से संबंधित परियोजना के बारे में सभी को जानकारी देना। 5 नंबर है, इच्छुक समूह के सदस्यों से सेवा शुल्क एकत्र करने में पशु सखी और CLF के सदस्यों की सहायता करना। अगला है, प्रत्येक CLF की मासिक बैठक में शामिल होना और उक्त बैठक में पशु सखी के कार्य और CLF के भूमिका के बारे में चर्चा करना, यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का कार्य रहेगा CLF की प्रत्येक बैठक में जाना होगा, बैठक में पशु सखी के कार्यों की समीक्षा करना होगा और CLF की भूमिका के बारे में चर्चा करके सभी को जानकारी देना होगा। 7 नंबर है, CLF को समूह की सदस्यों को सेवा शुल्क देने और पशु सखी से सर्विस लेने के लिए नियमित प्रोत्साहित करना। 8 नंबर है, पशु सखी के साथ समन्वय बनाकर उसके कार्यों को आगे बढ़ाने में मद्दत करना। 9 नंबर है, पशु सखी द्वारा किए कार्यों को सर्वे CTO में भरने को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है, पशु सखी के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को ट्रैक करना और पशु सखी को उसकी सर्विसेज के लिए प्रोत्साहित करना, यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का कार्य रहेगा पशु सखी से बेहतर कार्य को करवाना अच्छे से, ताकि वो कार्य कर सके अपने क्षेत्र में और
उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहना। अगला है 11 नंबर, टीकाकरण और डिबोर्मिंग कैंप में पशु सखी के साथ समन्वय बनाकर पशु सखी की सहायता करना, यानी पशुओं का टीकाकरण या बीमा वगैरह करवाने के लिए कैंप वगैरह आयोजित करना और पशु सखी की सहायता करना। 12 नंबर है, नियमित बैठक और फील्ड विजिट का आयोजित करके तकनीकी भागीदारी लाभार्थियों और ब्लॉक अधिकारियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना सुनिश्चित करना। 13 नंबर है, परियोजना की आवश्यकता के अनुसार दिन प्रतिदिन के आधार पर गतिविधियों पर कार्य करना और उसके बाद इसकी कार्य अवधि जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की कार्य अवधि जो है एक साल के लिए यहाँ पे बताया गया है। ऐसा नहीं है एक साल ही आप कार्य करेंगी, या यदि आपका कार्य अच्छा रहेगा तो आपको जो है और आगे आपका प्रमोशन किया जाएगा और आपका एक दो साल ऐसे करके बढ़ता रहता है। आवश्यक सूचना इसमें महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना, यदि महिला उम्मीदवार महिला आवेदन करती है तो महिला को प्रथम वरीयता दी जाएगी। और इसमें मानदेय कितना मिलेगा, इसमें देखिए मानदेय के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें मानदेय जो है आपको 17-18 हज़ार महीना मानदेय इसमें मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन आपको कहाँ से करना है, वेबसाइट क्या होगी, तो कृपया यहाँ आवेदन करें। तो ये है वेबसाइट का नाम, इसका लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी 2023 तक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। यदि आप लोग इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये है वेबसाइट, मैं इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इस वेबसाइट पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। इसका आवेदन आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा करके करवा सकते हैं। तो यही अपडेट आई थी, तो यही सारा कुछ था, तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ ही जुलों में निकली हुई है। तो आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे मैं आप सबके लिए नई नई अपडेट लेके आती रहती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।